ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज्ड बॉडीज। अब जरा ध्यान से समझना हम क्या करने जा रहे हैं और डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अब कहाँ लेके जाएगी आपको। आज की डेट में अगर आपसे ये पूछा जाए कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना आता है, आप कहोगे हाँ हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना आता है। कहाँ कहाँ निकाल पाओगे? आप कहोगे सर एक मुझे चार्ज दो क्यू, पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज की वजह से मैं ई निकाल सकता हूँ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर, डन। मैं आपसे पूछता हूँ, नहीं एक चार्ज नहीं है, दो चार्ज हैं, दो चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पर ई निकाल लोगे? आपको कहोगे हाँ निकाल लूँगा, जहाँ पर मुझे प्लस वन ई निकालना है प्लस वन रखूँगा, सभी चार्जेस का वेक्टर सम लूँगा, आंसर आ जाएगा, डन। तीन चार्ज का निकाल लोगे? हाँ मैं तीन चार्ज का निकाल लूँ। चार का निकाल लोगे? हाँ मैं चार्ज का भी निकाल लूँगा, तो पॉइंट चार्जेस मैं कर लूँगा हैंडल। और क्या आता है, मैं डायपोल की वजह से एक्सियल लाइन पर भी ई निकाल सकता हूँ, मैं डायपोल की वजह से इक्वेटोरियल पर भी ई निकाल सकता हूँ, यही आता है आपको आज की डेट में। फिर और कहाँ ई निकाल सकते हो? मैं एक चार्ज रिंग के एक्सिस पे भी ई निकाल सकता हूँ, मैंने करवाया था लास्ट टाइम, चार्ज रिंग के एक्सिस पे ई कैसे निकलेगा, ये भी क्लियर है, चार्ज रिंग के एक्सिस पे ई निकल आएगा। और कहाँ निकाल सकते हो? बस मैं इतना ही निकाल सकता हूँ। तो अभी तक पॉइंट चार्ज हमने किया, पॉइंट चार्ज में ये रिंग किया, उसके बाद एक रिंग पे अगर क्यू चार्ज है ए, उसका अगर रेडियस है आर डिस्टेंस एक्सिस पे, अगर मुझे ई निकालना है तो उसका फॉर्मूला हमने लास्ट टाइम डराइव 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू आर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेज टू पावर 3/2। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? इसकी डेरिवेशन हमने की थी, जिसमें दो एलिमेंट लिए थे, एक एलिमेंट ऊपर था एक नीचे था, वो साइन थीटा कॉम्पोनेंट कैंसल, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन हमने किया था। तो ये फॉर्मूला आपने याद करना है, मैंने आपको बता दिया था। अगर आपको क्वेश्चन में आए कि रिंग के सेंटर में ई निकालना है तो स्ट्रेट वे आर को क्या पुट करेंगे? जीरो। तो जब आर को जीरो पुट करेंगे तो ई भी क्या आएगा? जीरो। तो अब आज की डेट में आपको ये पता लग गया कि पॉइंट चार्ज पे ई निकालना आता है, पॉइंट चार्ज दो तीन पॉइंट चार्ज है उसकी वजह से ई निकालना आता है, चार्ज रिंग के एक्सिस पे ई आता है, चार्ज रिंग के सेंटर पे भी ई आता है, चार चीज़ें आती हैं और डायपोल के लिए भी आता है, पांच चीज़ें आती हैं। अब क्वेश्चन ये है कि अगर आपके पास एक रिंग है, रिंग का ये एक्सिस है, आप आर डिस्टेंस राइट भी जा सकते हो, आर डिस्टेंस लेफ्ट भी जा सकते हो कहीं पर भी, तो आपको आर निकालना है, यू हैव टू फाइंड आर। तो आपको डिस्टेंस निकालना है आर ऑन द एक्सिस ऑफ द रिंग, रिंग के एक्सिस पे, जहां ई की वैल्यू क्या आए? मैक्सिमम। अब देखो ई सेंटर पे क्या आता है? जीरो। और आपको पॉइंट क्या ढूंढना है? जहां पर ई की वैल्यू क्या आए? मैक्सिमम। अब ई की वैल्यू होती क्या है ऑन द एक्सिस? ये वैल्यू होती है, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू आर अपॉन ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज 3/2। और आपको क्या ढूंढना है? ई की वैल्यू मैक्सिमम। अब यहां पर टर्म यूज होगी मैक्सिमम एंड मिनिमा, फिर से तो मैंने कहा था ना बीच बीच में आता रहेगा मैक्सिमम मिनिमा। तो मैक्सिमम मिनिमा का टॉपिक मैथ्स वालों को मैथ्स वाले के टीचर सिखा देंगे, मेडिकल वालों को जरूरत नहीं है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं तो सिर्फ बता रहा हूँ कि देखो ऐसा करते हैं। फिजिक्स वालों को ऐसा नहीं होगा कि आपको कोई पूछेगा अच्छा प्रूव करके दिखाओ कि ई की वैल्यू कहाँ मैक्सिमम, ना तो एनसीईआरटी, ये पूरी शीट के ऊपर लिख सकते हो नॉट फॉर एनसीईआरटी, पूरी की पूरी शीट नॉट फॉर एनसीईआरटी, आज का पूरे रिजल्ट सिर्फ कॉम्पिटिशन के लिए, ऑब्जेक्टिव के लिए हैं बस। तो ई की वैल्यू आपको क्या ढूंढनी है? मैक्सिमम। कहाँ पे? कहाँ पे का मतलब क्या ढूंढना है? आर। तो आर की कितनी वैल्यू पे ई मैक्सिमम होगा ये आपको ढूंढना है। तो एक काम करें, जिस चीज़ को मैक्सिमम करना होता है उसको क्या करना होता है? डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू क्या? जो आपको निकालना है। क्या निकालना है? आर निकालना है। तो विद रिस्पेक्ट टू आर और इक्वल टू क्या पुट कर दे? जीरो। तो यही रूल है मैथ्स का और फिजिक्स का, किसी चीज़ को मैक्सिमम करना है इक्वल टू जीरो। तो आप इस ई की पूरी वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे इक्वल टू जीरो। जब आप यहाँ पे पुट करेंगे तो ये पूरी टर्म कांस्टेंट है, जीरो से कट जाएगी, क्यू इज अ कांस्टेंट, जीरो से कट जाएगा, वेरिएबल सिर्फ आर और ये टर्म वेरिएबल है। तो आप सिर्फ इसकी डिफरेंशिएशन करेंगे और इक्वल टू जीरो। अब इसकी डिफरेंशिएशन के लिए आपको क्या लगाना पड़ेगा डिफरेंशिएशन में? यू बाय वी का फॉर्मूला, तो याद है ना, डिनोमिनेटर वी इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ यू माइनस यू इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ वी अपॉन वी का स्क्वायर इक्वल टू जीरो। क्लियर है यहाँ तक? तो ऐसा करेंगे और ये पूरा डिनोमिनेटर जीरो से कट जाएगा, तो डी आर बाई डी आर क्या होता है? वन। और इसके डिफरेंशिएशन में इसकी पावर क्या है? 3/2। इसकी पावर क्या हो जाएगी? 3/2 माइनस 1 जो कि हाफ होती है, इंटू डी बाई डी आर ऑफ आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो अगर आप ऐसा करें, अगर करें और इसे ओपन करें, इसको डिफ्रेंशिएट करें, सॉल्व करें, तो आपके पास ये आंसर आएगा। आपने क्या करना है, ये स्टेप्स तो आपकी मर्जी है, स्टेप तो मैं आपको दिखा ही रहा हूँ कि डिफ्रेंशिएट करके आंसर आएगा।
आपसे पेपर में ऑब्जेक्टिव में क्या पूछा जाएगा, ये स्टेप्स ही पूछे जाएंगे। आपसे पूछा जाएगा आर की वो वैल्यू बताओ जहां पर ई मैक्स है, तो आपने क्या याद करना है, इसको रिमेंबर लिखो बॉक्स में डाल के, प्लस माइनस ए बाय रूट टू, सीधा बात हो ना, डिफ्रेंशिएट करेंगे पेपर में तो सीधा लिखेंगे ए बाय रूट टू प्लस माइनस। क्या है पॉइंट, क्लियर है यहां तक? ठीक, तो आर की ये प्लस माइनस क्यों, क्योंकि रिंग के राइट साइड या रिंग के लेफ्ट साइड कहीं पर भी ये ई की वैल्यू मैक्सिमम हो सकती है। दो पॉइंट्स आएंगे, राइट पे भी आएगा और लेफ्ट पे भी आएगा। तो पहला रिजल्ट याद हो गया। आज की शीट में कुछ भी नहीं है, आज की शीट में से प्रूफ आपने कोई नहीं करना है, आपने सिर्फ रिजल्ट देखने हैं इसके, ताकि जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है बुक्स के अंदर आपके रुके ना, आपको समझ में आए कि कौन सा रिजल्ट आपको कब लगाना है। तो पहला स्टेप क्लियर है यहाँ तक, तो ये पहला ऑब्जेक्टिव आ सकता है। दूसरा वो कहेगा प्लॉट करके बताओ ई और आर का वेरिएशन, ग्राफ्स आ जाते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड का और आर का वेरिएशन अगर प्लॉट करना है तो मुझे पता है कि सेंटर पे, रिंग के सेंटर पे ई क्या होता है, जीरो। तो ये ई जीरो आ गया, ये ई ले लो और ये आर है, ई वर्सेस आर ग्राफ है। यहां पे इस पॉइंट पर ई की वैल्यू क्या है, मैक्सिमम। ए बाय रूट टू पे ई क्या है, मैक्सिमम, और माइनस ए बाय रूट टू पे भी ई क्या है, मैक्सिमम। अदरवाइज ये वेरिएशन इस तरीके से जाएगी, ये आपको याद रखना है। तो कल को अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा ई और आर का वेरिएशन प्लॉट करो, तो ये वेरिएशन आपने ड्रॉ करना है। क्या ये पॉइंट क्लियर है, कोई डाउट इसमें? ठीक है, ऑनलाइन वालों को भी क्लियर है? यस सर। ओके, नेक्स्ट है, हमने लास्ट टाइम किया था कि अगर एक डायपोल कहां पर पड़ा हुआ है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो उसके ऊपर नेट फोर्स कैसे लगती है। तो अगर ये क्वेश्चन